अस्सलाम वालेकुम, मैं रुहानिया, टीवी 99 न्यूज एचडी के साथ। अब चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। दादू सिविल सोसाइटी अवामी इत्तेहाद, सिविल मीडिया प्लस, दादू शहरी एक्शन कमेटी, दादू यूथ वेलफेयर सोसाइटी और दादू के सियासी और समाजी तंजीमों और शहरियों की जानिब से सुई गैस की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग शुरू और कम प्रेशर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। दादू सिविल सोसाइटी, अवामी इत्तेहाद, सोशल मीडिया प्लस, दादू शहरी एक्शन कमेटी, दादू यूथ वेलफेयर सोसाइटी और दादू के सियासी और समाजी तंजीमों और शहरियों की जानिब से सुई गैस की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और भूख हड़ताल की गई। एहतजाजी मुजाहिरा करने वालों ने वफाकी वजीर सनत और सुई गैस के आला अख्तियारों से मुतालबा किया है कि 2 साल से दादू के रहवासियों को किस जुर्म की गलती की सजा मिल रही है। जो रहवासी सुई गैस से महरूम हैं और अपना और बच्चों का खाना पकाने भी वक्त में मुयसर नहीं है और गैस के बिलों में करोड़ों रुपया जमा करवा रहे हैं और ऊपर से कम प्रेशर और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग की वजह से सुबह के वक्त बच्चे स्कूल, मजदूर दिहाड़ी पर, सरकारी मुलाजिम और प्राइवेट मुलाजिम दफ्तरों में ड्यूटी और काम पर जाने के लिए बगैर नाश्ते के चले जाते हैं। वो तरक्की और जदीद साइट टेक्नोलॉजी के दौर में भी शहरी लकड़ी की आग जलाकर अपना खाना तैयार करते हैं, जबकि पुराने दौर पत्थर का जमाने की याद ताज़ा कर देती है। एहतजाजी मुजाहरा करने वालों ने चीफ सेक्रेटरी सिंह, डिप्टी कमिश्नर दादू को अपील की है कि वो सुई गैस के आला इख्तियारों और दादू के लोकल इख्तियारियों से मीटिंग करें और शहरियों की सुई गैस की कम प्रेशर को और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदाम करें ताकि शहरियों के सुई गैस के मसाइल को हल करवाएं और आवाम को सहूलियात फराहम हो सके। अली गुलचन्ना, टीवी 99 न्यूज एचडी, दादू। खबर शामिल करते हैं हब बलोचिस्तान से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद मक्सी के मुताबिक मुअज्जज शख्सियत मोहम्मद इकबाल मक्सी के बेटे मोहम्मद सहेल मक्सी की शादी का दावत नामा मक्सी हाउस हब चीज़लाबाद कॉलोनी में मुनक्कद किया गया, जिसमें हाजी नियाज हुसैन मक्सी, तुफैल मक्सी, गुलाम हुसैन मक्सी और सज्जाद मक्सी, जावेद मक्सी, खुदाम हुसैन मक्सी, जावेद मक्सी, सवार मक्सी, शहराज मक्सी, इलाकों के दीगर मोतबरों मुअज्जज शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर हाजी नियाज हुसैन मक्सी और तुफैल मक्सी दुल्हा सुहेल इकबाल मक्सी को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। अब्दुल हमीद मक्सी, टीवी 99 न्यूज एचडी, हब लसबेला। हंगू थाना टल के एसएचओ एसआई महमूद खान ने थाना टल के हदूद स्पन टल में बड़ी कार्रवाई करके एक मंशियात रोड समेत 5 जुलाई पेशे अपराध को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असला और मंशियात बरामद करके पुलिस के कब्जे में की गई। बरामद असला मंशियात में 4 अदद हैंड ग्रेनेड, 1 अदद कलाशन को, 1 राइफल, 184 मुख्तलिफ बोर के कारतूस, 530 ग्राम चरस और 10 ग्राम आयस शामिल है। विटाम के नाम से मशहूर शहर दादू गंदगी के ढेर में तब्दील। शहर की सड़कें, गलियां और चौराहे गंदी नालियों के बदबूदार पानी में डूब गए। नमाजियों, शागिर्द, औरतों और आने जाने वाले शहरी मुसीबत और अजाब में मुब्तला हो गए। दादू के सियासी समाजी शहरी टीवी 99 न्यूज से बात करते हुए कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दादू शहर जो है वो बिल्कुल जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे हम पुराने जो है ना 50 साल पहले रहते थे। जो नालियां जो है वो उलट गई हैं, पानी सारा शहर में जो है वो दाखिल हो गया है, लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। म्यूनसिपल कमेटी दादू की नाअहली है ये। अभी हम गए थे म्यूनसिपल कमेटी, उनको हमने कंप्लेन भी की है, फोटोग्राफी भी दिखाई है मोबाइल की, सही है आप जो है वो काम क्यों नहीं कर रहे। तो पता चला वहाँ कि उनने जो डेली वेजेस पे जमादार काम कर रहे हैं, भंगी काम कर रहे हैं, जो जमादार काम कर रहे हैं वो उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं। और अपील करते हैं, बराए मेहरबानी खुदारा अपने दादू शहर की हिफाजत करें। वो डूब रहा है गंदे पानी के में, वो बीमारियां फैल रही हैं, मलेरिया कितनी फैल रही है, उनके अलावा टाइफाइड हो रही है। कुछ करें, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करें, बजट कहाँ जा रही है। जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, जो भंगी काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं उनको, वो प्रॉपर बजट गई कहाँ। सकते हो गली माले में, चाहे ये दादू जिले की सिटी है, इधर डिप्टी कमिश्नर है, मुख्तियार का सारे ऑफिसर यहाँ बैठते हैं, पर दादू की हालात ऐसे बना दिए हैं जो ये
दादू को कई गांव बना दिया है और हम अफसोस से कहने पड़ते हैं। डीसी दादू जो न्याय आया है, उसमें उम्मीदें थे और उम्मीदें हैं, पर अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं क्या जो दिहाड़ी पे रखते हैं उसके तनख्वाह में काटे हैं, अगर वो उसकी तनख्वाह पूरी नहीं देंगे तो वो कैसे सफाई करेंगे शहर में। रिक्वेस्ट करते हैं डीसी दादू को, जो नौजवान हैं और उम्मीद करते हैं, तो मेहरबानी करके हम आपको देख रहे हैं दादू की आवाम, आपसे रिक्वेस्ट करी है, तो मेहरबानी करें दादू को कुछ करो और दादू की आवाम के लिए कुछ करो और दादू में सफाई करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दादू शहर के अंदर अभी जो आप देखो दादू शहर में कचरे के ढेर जो पड़े हैं, तो इंतहाई गंदा माहौल बन गया है। दादू शहर के लोग फंस गए हैं। आप देखो गली गली में चौराहे पे कचरे पड़े हैं, कोई भी सफाई वाला नहीं आता। इधर म्यूनसिपल की इंतजाम है जो वो नींद में है। हम मुतालबा कर चुके हैं, कितनी बार उनको कह चुके हैं, मगर कोई भी हमारी वारसी नहीं कर रहा। हम बार बार उनको बोल चुके हैं। आप देखो ये कदीमी कब्रिस्तान है, इधर भी कितनी गंदगी है, सड़कों पर गंदगी है। सरकारी प्लाट मिला हुआ है उनको, फिर भी कचरा उधर नहीं फेंकते, आके गलियों में फेंक देते हैं, चौराहे पे फेंक देते हैं। दादू शहर के लोग तंग आ गए हैं। हम इंतजामिया से गौर मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप हमारे जो इलाके हैं उनको कम से कम साफ तो कर दो। ये जीने का ही जो माहौल है ना, वो ऐसे लगा पड़ा है कि हम लोग जी नहीं सकते। कितनी गंदगी हो गई है, सारा शहर जो है ना गंदगी में डूबा हुआ है। भाईजान ये देखो, सफाई सुथराई मिनल ईमान है। सफाई सुथराई की बजट भी आ रही है ऊपर से, सफाई सुथराई हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी जो है वहाँ देखो पता नहीं चलता क्या पैसे कहाँ जाते हैं, पगारें भी चल रही है, पैसे भी आ रहे हैं। हर गली देखो पानी में डूबी हुई है, कोई सफाई नहीं है। ये आला अमलदार से हमारी अपील है कि ये सफाई सुथराई पे गौर करें। दादू खंडराज बन रहा है क्यों? हमारा भी लोगों का हक है, ये सफाई सुथराई होनी चाहिए। ये बजट ऊपर से आती है, यहाँ हड़प हो जाती है, कहाँ जाती है ये पता नहीं चलता। बहुत अफसोस की बात है कि दादू में 3-4 साल से सफाई और सुथराई का जो काम है वो बिल्कुल ठुप लगा पड़ा है। और दादू के रहवासी जो हैं, तमाम कॉलोनी जो कच्ची कॉलोनियों की तो हालत तमाम बदतर है, क्योंकि वो गंदे पानी से गुजरते हैं और गंदगी ढेरों से गुजर कर अपने घरों अपने मालों में जा रहे हैं। मगर यहाँ की बलदिया जो है उसको कोई एहसास नहीं है कि हम अपने शहरियों को सहूलियात, बुनियादी सहूलियात, सफाई सुथराई फराहम करें। शहरी और जो ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें, अगर किसी काम काज से घर से बाहर निकलती हैं तो वो भी गंदे पानी से और गंदगी ढेरों से गुजर कर अपने मंजिल पे पहुँचते हैं। इसलिए हम दादू शहरी वासियों के आखिरी ये क्यों हमारे से जुल्म हो रहा है कि हमारे को बुनियादी अपनी सहूलियात, सफाई और सुथराई फराहम नहीं हो सकती है। अपने मुलाजिम है उनसे काम लिया जाए और उनको पाबंद किया जाए। दादू शहर जो वो मसलो थी वा, सफाई न करण के कर 24 वार्डन जहाँ हालत तमाम खराब थी वही है। असा सियासी समाजी मानन बार बार अपीलू करण का बावजूद इंतजामिया कें भी नोटिस न वरतो आ। ही दिसो मक्के मस्जिद जी मेन गली आए, इन जी हालत अवां जे सामो आए, पानी गोडे जेत्रो बीठो आ, नमाजी अचण वञण जे लाए परेशान आहिन, ही मेन गली हुजण जे करे सजे शहर जी हालत खराब लगी पई आए। असा इंतजामिया दादू जे चूंडियल नुमाइजन के कयूं था सिंध जे वडे वजीर साहब, MNA साहब, MPA साहब के खुदारा असांजे शहर जो असांजे इलाइक़े जो मसलो हल कयो वञे। जी त असां दादू जी इंतजाम खे अपील कयूं था त गुज़िरियल हफ़्ते मिल खां जेको थी मस्जिद मकी मस्जिद जेका मस्जिद अलाह जो घरु आहे, हिन जा जो गंद किचरो सफ़ाई न थी सघी आहे। उनखां पोइ पाणी जो तव्हां पाण ॾिसी रहिया आहियो त हीअ पाणी जो तलाउ मौजूदु आहे। इहा दादू म्यूनसिपल विञायल आहे जो अलाह जे घर जे आॾो जेको सो गंद किचरो आहे, किनो पाण जेकी मस्जिद 5 किलोमीटर ते अचनि था, उनखे ॾाढी तकलीफ़ थिए थी। हीअ त छा पर पूरे शहर में गंद किचरो फैलियल आहे, उनखे अंदरि कोई बि सफ़ाई नही हो रही। हालांकि इनको 25-30 रखा इन्होंने ले रखे हैं, अमला इन्होंने रखा हुआ है, फिर भी गली गली जाओ, मोहल्ले में जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, कोई आपको सफाई नज़र नहीं आएगी। उसके अलावा जो है ना बजट आखिर में वो खर्च हो ना, खर्च होती नहीं है जेबों में।
मीरपुर खास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हसन और असिस्टेंट कमिश्नर शाहिदा परवीन ने सिविल अस्पताल मीरपुर खास में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर 11 से 15 जनवरी तक होने वाले इंसाजे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इनका कहना था कि सेहत अल्लाह तआला की तरफ से दी हुई बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करना चाहिए। हम अपने बच्चों को पोलियो जैसी मोदी मर्ज और उनको उम्र भर की मुताबिक से बचाने के लिए हर पोलियो मुहिम के दौरान 45 से लेकर 5 साल की उम्र तक हर बच्चे को पोलियो से बचाव की कदर जरूर पिलानी चाहिए। रिपोर्ट मोहम्मद इलियास कुरैशी, TV99 न्यूज, मीरपुर खास। मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं। साबिक वजीर आला सिंह GDA रहनुमा और PS-52 के उम्मीदवार डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि धांधली, करप्शन और नफरतों के बीच होना पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है। MQM एक हकीकत है, इसे तस्लीम किया जाना चाहिए। हमने अपने दौर में बहुत से तरक्याती काम करवाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने 13 साल इक्तदार में कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपने वोटरों से कह रहे हैं कि पोलिंग के रोज शराब पीकर आना और खूब ठप्पे लगाना। इन ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, PS-52 की नशिस्त पर MQM की हिमायत हासिल करने के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर MQM राबता कमेटी के अरकान सुहेल मशहदी, डॉक्टर फजल जमाली, SDC के इंचार्ज सलीम रजाक हक नवाज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज खुशी मोहम्मद मुगल, AD लाखू और दीगर भी मौजूद थे। अरबाब गुलाम रहीम ने मजीद कहा कि जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध तरक्की नहीं कर सकता। सिंध की सियासत में MQM और हम साथ चलेंगे। इमरान खान एक ईमानदार और अच्छे इंसान हैं और ऐसी स्कीमें मुतारिफ करवा रहे हैं जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं है। महंगाई एक सूबाई मसला है, इसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आटे की कीमत में इजाफा 300 अरब रुपए की गंदम में खर्द बर्द करने से हुआ है। एक तरफ पीपल्स पार्टी इस्तीफों की बात कर रही है और दूसरी तरफ सेनेट के इलेक्शन और जमनी इंतखाबात में हिस्सा भी ले रही है। MQM ने तमाम जमातों की हुकूमत साजी में मदद की है। MQM मरकज ने जमनी इंतखाबात में अरबाब गुलाम रहीम की हिमायत करने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह करके रख दिया है। ये लोगों को तकसीम कर रहे हैं और माजी की ज्यादतियों को ब्रेक नहीं कर रहे। मोहम्मद इलियास कुरैशी, TV99 न्यूज HT, मीरपुर खास। खबर शामिल करते हैं राधन से। आज अवामी प्रेस क्लब राधन पर तमाम मेंबरान का एक इजलास हुआ जिसकी सदारत सरपरस्त आले मुमताज सोमरों ने की, जिसमें तमाम मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर शहाबुद्दीन जानूरी को सदर बनाया और सीनियर नायब सदर नदीम खानजादा को बनाया। नायब सदर तारिक सुलंगी, जनरल सेक्रेटरी साबिर हुसैन राधन, ज्वाइंट सेक्रेटरी साजिद काश केली, राबता सेक्रेटरी साजिद जानरी, फाइनेंस सेक्रेटरी जब्बार खानजादा और ऑफिस सेक्रेटरी आदिल अख्तर खानजादा को बनाया गया। तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए TV99 न्यूज HD। बोलेगा पाकिस्तान।